बी ए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स और एम ए एम एस सी फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग जानेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सॉलेबल विटामिनस लाइक विटामिन बी वन थैमिन विटामिन बी टू राइवोफ्लेबिन नियासिन विटामिन बी थ्री एंड विटामिन बी सिक्स पैराडॉक्सिन फॉर ए प्रेगनेंट वुमेन एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो वाटर सोलेवल विटामिन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे लेकिन इसके पिछले क्लास में मैंने फैट सॉलेवल विटामिन ए डी ई के की रिक्वायरमेंट एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या होती है इस पर डिस्कशन किया था तो आज हम लोग वाटर सॉलेबल विटामिस जान रहे हैं वाटर सॉलेबल विटामस हमारी बॉडी में बहुत कम इनकी आवश्यकता होती है बहुत कम मात्रा में ये विटामिन्स आवश्यक होते हैं लेकिन और बहुत कम मात्रा में ही ये हमारे शरीर में स्टोर होते हैं चाहे है नॉर्मल कंडीशन हो या प्रेगनेंसी की स्टेज हो तो इसलिए एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी अगर प्रतिदिन नॉर्मल वो बैलेंस डाइट कंज्यूम करती रहती हैं, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं वाटर सॉलेबल विटामिनस की लेकिन हर वाटर सॉलेबल विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं जैसे पहले विटामिन को हम लोग समझें थायमिन थायमिन विटामिन बी वन होता है जो आई सी एम आर द आई सी एम आर टू थाउजेंड टेन आई सी एम आर टू थाउजेंड टेन ने थमीन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल एडल्ट लेडी के लिए बताई है अकॉर्डिंग टू वर्क वन मिलीग्राम सेडेंट्री वर्कर नॉर्मल एडल्ट वुमेन के लिए वन पॉइंट वन मॉडरेट वर्कर के लिए एंड वन पॉइंट फोर हैवी वर्कर विमन के लिए लेकिन अगर इन तीनों में से किसी भी टाइप की लेडी अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान प्लस जीरो पॉइंट टू मिलीग्राम प्रतिदिन ऐड करके थायमिन लेना चाहिए जैसे अगर सेडेंट्री टाइप की लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे प्रतिदिन वन पॉइंट ज़ीरो प्लस जीरो पॉइंट टू इजिकर टू जितना मिलीग्राम हो रहा है जैसे वन पॉइंट टू मिलीग्राम हो रहा है तो वो एक सेडेंट्री प्रेग्नेंट वोमेन को लेना चाहिए उसी तरह वन पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट टू वन पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट टू मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी टाइप की महिला प्रेग्नेंट है जिस भी टाइप के वर्क वाली महिला प्रेग्नेंट है तो जो थाइमिन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल के लिए दी गई है उसमें प्लस जीरो पॉइंट टू एड हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन थाइमिन एंड कैलोरीज इनटेक रिमेंस द सेम एज नॉर्मल एडल्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज फॉर वन थाउजेंड कैलोरीज किलो कैलोरीज जीरो पॉइंट फाइव मिलीग्राम ऑफ थाइमिन इज़ रिक्वायर्ड बच्चों आपको ये बात यहाँ समझनी होगी कि कैलोरीज कैन टेक और थाइमिन की रिक्वायरमेंट दोनों में बड़ा कोरिलेशन uh, है बहुत ही सह संबंध है अगर एक महिला को एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन एक हज़ार किलो कैलोरीज लेनी है तो उसके ऊपर उसे ज़ीरो पॉइंट फाइव मिलीग्राम थाइमिन अवश्य कंज्यूम करना चाहिए और थाइमिन लेने के लिए वो ज़्यादातर कोशिश करें कि चोकर सहित आटे की रोटी लें और जितने भी हमारे फर्मेंटेड फूड आइटम्स होते हैं उनमें थायमिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है स्प्राउट्स में यानी अंकुरित अनाज में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जितने भी नॉन वेजिटेरियन अंडा मांस मछली है इसमें भी थायमिन की मात्रा मौजूद रहती है नेक्स्ट जो न्यूट्रेंट है वो है राइवोफ्लेविन राइवोफ्लेविन विटामिन बी टू होता है ये भी वाटर सॉलेबल विटामिन होता है आईसीएमआर 2010 एक नॉर्मल एडल्ट वुमेन के लिए रिकमेंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्क सेडेंड्री वर्क टाइप की वर्कर विमेन के लिए 1.1 मिलीग्राम पर डे 1.3 मिलीग्राम मॉडरेट वर्कर के लिए एंड 1.7 मिलीग्राम हैवी वर्कर के लिए यदि इन तीनों में से किसी भी टाइप की महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो प्लस 0.3 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आईसीएमआर सजेस्ट करता है कि उसे जोड़ करके राइवोफ्लेविन कंज्यूम करना चाहिए यानी 1.1 पॉइंट प्लस जीरो पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट थ्री वन पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट थ्री इतना उसे ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए जिस तरह मैंने थायमिन अभी बताया आपको कि कैलोरीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसी तरह राइवोफ्लेबिन भी हैं यदि वो वन थाउजेंड कैलोरीज ले रही है प्रतिदिन तो उसे 0.6 मिलीग्राम राइवोफ्लेविन की आवश्यकता होगी और राइवोफ्लेविन की आवश्यकता बेटा क्यों होती है इसके क्या कारण होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इस समय सॉरी जो गर्भवती महिला होती हैं उनकी बॉडी का साइज़ बढ़ता है मैंने जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी में क्या होते हैं ये बताया था तो आपको ये बताया था कि यूट्रस केवल 50 ग्राम का होता है लेकिन पूरी प्रेग्नेंसी 9 महीने में वो 950 ग्राम का हो जाता है एबडोमिनल एनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो ये सब जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंक्रीज increase, इंक्रीजमेंट हो रहा है ये सब जितना भी इंक्रीज़ हो रहा है वो उसमें राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है ग्रोथ ऑफ़ फीटस एंड एसेसरी टिश्यूज़ ग्रोथ ऑफ फीटस यानी जो भ्रूण का वृद्धि एवं विकास हो रहा है उसके लिए राइबोफ्लेविन की एक माँ को आवश्यकता होती है और इसके अलावा एसेसरी टिश्यूज़ मतलब जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए राइबोफ्लेविन की आवश्यकता एक माँ को होती है राइवोफ्लेबिन इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन द फीटल ब्लड देन इन द मैटरनल ब्लड राइवोफ्लेबिन फीटल ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है माँ के ब्लड की तुलना में एनिमल स्टडीज़ हैव शोन दैट लैक ऑफ राइवोफ्लेबिन इंटरफेयर विद द कार्टिलेज फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन स्केलेटन माल फॉर्मेशन सच एज शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड फ्यूजन ऑफ रिप्स एनिमल्स के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की गईं वाटर सॉलेबल विटामिनस को लेकर उसमें से राइवोफ्लेबिन पे भी स्टडी की गई और ये पाया गया कि जब राइवोफ्लेबिन एनिमल्स में कम होता है तो उनके जो कार्टिलेज फॉर्मेशन है यानी स्केलेटन जो उनका कंकाल बनता है जो ढांचा बनता है वो प्रभावित हो जाता है जिसके कारण उनकी शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स जो उनके शरीर में लंबी हड्डियाँ होती हैं वो छोटी रह जाती हैं वो लंबी नहीं हो पाती जिसके कारण वो बौने होते हैं एंड फ्यूज़न ऑफ रिब्स रिब्स में फ्यूजन्स हो जाते हैं फ्यूज़न का मतलब होता है जो रिब्स हैं वो एक पे एक या तो चढ़ जाती हैं या रिब्स में गैप हो जाते हैं तो राइवोफ्लिबिन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है और ये एक गर्भवती महिला के लिए बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता बढ़ती हुई इससे दिखाई दे रही है लेकिन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस समय वृद्धि एवं विकास का समय है तो राइवोफ्लेवन लेने के लिए उसे अपना नॉर्मल डाइट जरूर कंज्यूम करना चाहिए इसके साथ ब्राउन राइस मूंगफली, बादाम पिस्ता इसमें बहुत होता है और मूंगफली के जो ऊपर एक पिंक कलर का छिलका होता है मूंगफली के दाने पर उसमें राइवोफ्लेबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है आटे की चोकर में होता है और जब हम लोग मूंगफली खाते हैं तो उसको हम छिलके को हटा देते हैं और फूक के उड़ा देते हैं यानी उड़ाया हमने तो वो राइबोफ्लेविन हवा में उड़ गया हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसे कंज्यूम करना चाहिए नेक्स्ट जो वाटर सोलेबल विटामिन है वो है विटामिन बी रिक्वायरमेंट एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या होती है आई सी एम नॉर्मल एडल्ट लेडी के लिए नियासिन की रिक्वायरमेंट कहते हैं इनके अकॉर्डिंग टू वर्क एक सेडेंट्री वर्कर नॉर्मल एडल्ट लेडी को प्रतिदिन 12 मिलीग्राम 12 मिलीग्राम जो है वो नियासिन की आवश्यकता होती है 14 मिलीग्राम मॉडरेट वर्कर के लिए एंड 16 मिलीग्राम हैवी वर्कर के लिए और इन तीनों में से किसी भी प्रकार की महिला अगर गर्भवती हो जाती है तो उसे प्लस 2 मिलीग्राम प्रतिदिन ऐड करके लेना चाहिए यानी 12 प्लस 2 मिलीग्राम फोर्टीन प्लस टू मिलीग्राम सिक्सटीन प्लस टू मिलीग्राम जिस भी प्रकार की महिला होगी उसे प्लस टू मिलीग्राम ऐड करके लेना चाहिए नियासिन अपने आप में नियासिन भी कम नहीं है बहुत इम्पॉर्टेंट ये वाटर सॉलेबल विटामिन है द ये क्या काम करता है द कन्वर्जन ऑफ एमानो एसिड इंटू नियासिन इज मोर एफिशिएंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है क्योंकि ये जो भी हमें भोजन के द्वारा एमानो एसिड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं और नियासिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अमानो एसिड्स जो हैं को नियासिन कन्वर्ट करने का काम करता है इसकी प्राप्ति के मुख्य जो स्रोत हैं वो मूंगफली, साबुत गेहूँ हरी मटर हैं, ब्राउन राइस मशरूम में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है आलू और लीवर नॉनवेज खाने वाली गर्भवती महिलाएं लीवर कंज्यूम कर सकती हैं इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नियासिन मौजूद रहता है और मुर्गा मांस मछली इन सभी चीज़ों में नियासिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स जिसे हम पैराडॉक्सिन कहते हैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ Paradoxin इन एन एडल्ट वुमेन इज़ टू मिलीग्राम आई कहता है कहते हैं एक नॉर्मल एडल्ट वुमेन को केवल दो मिलीग्राम पैराडॉक्सिन की आवश्यकता होती है लेकिन यदि किसी भी प्रकार की महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे पूरी प्रेगनेंसी तक प्रतिदिन टू पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर डे के हिसाब से नियासिन यानी सॉरी पैराडॉक्सिन यानी विटामिन बी सिक्स लेना चाहिए इन हाइपरट्रॉफी वेन द सेल्स आर ग्रोइंग इन साइज हाइपर में जबकि सेल्स का साइज बढ़ रहा है बी सिक्स एंड एमानो एसिड्स आर रिक्वायर्ड तो विटामिन बी सिक्स और एमानो एसिड्स की आवश्यकता बढ़ जाती हैं अगर विटामिन सी विटामिन बी सिक्स एक गर्भवती महिला के शरीर में कम होता है ब्लड में कम पाया जाता है तो ये कम होने का कारण जो है वो टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था की विषाक्तता और गर्भावस्था की विषाक्तता कई कारणों से होती है इस समय उस महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उसके शरीर में जल का जमाव हो सकता है प्रो यूरिया में जो यूरिन है उसमें प्रोटीन आ सकता है यूरिया की स्ट्रेज हो सकती है तो ये सब कारण मिलकर एक गर्भवती महिला के शरीर में विटामिन बी सिक्स के लेवल को कम कर देते हैं वुमेन हु यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रायर टू कॉन्सेप्शन ऑफिन एंटायर प्रेग्नेंसी विथ लो टिश्यू लेवल्स ऑफ विटामिन बी सिक्स बेटा जो महिलाएँ जो गर्भवती महिलाएँ गर्भधारण करने से पहले अगर गर्भ गर्भाधान को रोकने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी ओरल पिल्स को या जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं उनका यदि वो लगातार सेवन करती रही हैं तो प्रेग पूरी प्रेगनेंसी में ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि उनके टिश्यूज़ में विटामिन बी सिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी सिक्स इज सेट टू बी यूज टू कंट्रोल नोजिया ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि बहुत सी महिलाओं में नोज़िया की कंडीशन रहती है नोजिया मतलब होता है जैसे जी मिचलाना उल्टी होना भारीपन लगना मतलब खान जी अच्छा नहीं लगना है खट्टी डकार आना ये इसको कंट्रोल करने का काम विटामिन बी सिक्स करता है इसलिए एक गर्भवती महिला को अपने आहार में प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी मात्रा में पिस्ता तिल मूंगफली, राजमा सोयाबीन काबली चने और केले का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए यदि वो थोड़ी थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन सभी चीज़ों को कुछ कुछ समय पर शामिल करेंगी तो मेरे ख्याल से विटामिन बी सिक्स की कमी भी उनके शरीर में नहीं होने पाएगी और मैंने अभी सारे वाटर सॉलेबल विटामिनस के बारे में आपको बताया मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो आप बॉक्स में क्वेरी कर डाल सकते हैं और पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू